ऐतिहासिक ग्रेटर द्वारा विश्व योग दिवस एक अनोखे ढंग से मनाया गया। दरअसल आज योग दिवस के साथ विश्व संगीत दिवस भी है, जिसको ध्यान में रखते हुए संगीत के साथ योग दिवस भी मनाया गया। नई पीढ़ी भी आज अपनी सेहत को लेकर जागरूक हो रही है। उसका मानना है कि अगर हम आज स्वस्थ रहते हैं तो हमारा परिवार भी स्वस्थ रहेगा। योग व्यायाम का कोई भी तरीका हो, बस उसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। इस मौके पर जेसीआई की नीतू पटवा ने कहा कि विश्व योग दिवस साल में एक बार आता है, लेकिन हमें प्रतिदिन योग के लिए प्रेरित करता है। पश्चिमी देश हमसे प्रभावित होकर अपने जीवन में योग को शामिल कर रहे हैं, तो हम क्यों अपनी सभ्यता अपने संस्कार को भूलें। कार्यक्रम का हिस्सा बनी गुंजन अग्रवाल, अंजलि अग्रवाल, शालिनी अग्रवाल, कशिश चंद्रानी, पूजा चौधरी, अनन्या ओशी, पूर्ति शमा, आशी आदि सभी ने प्रण लिया। हम एक स्वस्थ भारत का निर्माण करेंगे और योग को अपने जीवन में अपनाएंगे। हेलो, हम लोग यहाँ पर आज योगा डे मनाने आए हैं। योगा न सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए जरूरी है, बल्कि सोल के लिए भी बहुत जरूरी चीज है। योगा हम लोगों ने यहाँ पे योगा एक पुराने स्टाइल में नहीं किया, हम लोगों ने यहाँ पे योगा बहुत ही नए स्टाइल में किया है। इसमें मेडिटेशन भी है, जुम्बा भी, अगर हमने योगा को मिक्स करके किया है, एक नई टेक्निक जो हमारी नई जनरेशन को बहुत पसंद आती है। पहले योगा करने के बाद ना लोगों को लगता था यार कितना बोरिंग है, क्या एक घंटा बैठना पड़ेगा, लेकिन हम योगा करने के बाद लोग इतने एनर्जेटिक है कि लोग कह रहे हैं कि हमें और करना चाहिए और करना चाहिए। अगर बाहर से सुंदर होंगे आप, अंदर से आपका मन बहुत आपको अच्छा लगेगा, आप स्वस्थ रहोगे और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रख पाओगे। थैंक यू। झांसी से मनीषा ली की रिपोर्ट।